साथियों, गिफ्ट सिटी से जुड़े इनिशिएटिव्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा भी है। हमें यह याद रखना होगा कि एक वाइब्रेंट फिनटेक सेक्टर का मतलब केवल इजियर बिजनेस क्लाइमेट, रिफॉर्म्स और रेगुलेशन तक ही सीमित नहीं होता। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे प्रोफेशनल्स को एक बेहतर जीवन और नए अवसर देने का माध्यम भी है। गिफ्ट सिटी एक ऐसी जगह बन रहा है जहां से नए नए आइडियाज निकल रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है और दुनिया के सबसे बेहतर माइंड्स आकर यहां सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यानी गिफ्ट सिटी एक तरह से भारत के पुराने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने का भी एक माध्यम बन रहा है। यहां इंडस्ट्री के जो दिग्गज है वो जानते हैं कि भारत के लोग सैकड़ों वर्षों से व्यापार और व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में जाते रहे हैं। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई हिस्सा हो जहां भारतीय पहुंचे न हो। भारतीय व्यापारी इनोवेटिव फाइनेंसिंग टेक्निक्स उसका भी इस्तेमाल करते थे। मैं जिस जगह से आता हूं, मेरा जो जन्म स्थान है वडनगर, वहां खुदाई चल रही है और वहां भी खुदाई में प्राचीन काल के सिक्के मिल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी व्यापारिक व्यवस्था और संबंध कितने व्यापक थे। लेकिन आजादी के बाद हम खुद ही अपनी विरासत को, अपनी इस ताकत को पहचानने से कतराने लग गए। संभवतः ये गुलामी और कमजोर आत्मविश्वास का असर था कि हमने अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और दूसरे संबंधों को जितना हो सका सीमित कर दिया। लेकिन अब नया भारत इस पुरानी सोच को भी बदल रहा है। आज इंटीग्रेशन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है। एक ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ तेजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं और गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। जब आप गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे।